नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द 5 E। तो देखिए, ये एक आपका कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच टू लर्निंग है। तो ये आपके टीचिंग के फील्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल है, कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच का इंस्ट्रक्शनल मॉडल है, जो कि ये कहता है कि बच्चे का जो प्रीवियस प्रायर एक्सपीरियंस है उसको जोड़ के नया नॉलेज डेवलप कराया जाए, उसी के लिए ये मॉडल बनाया गया है। क्योंकि देखिए, बहुत आपके ऐसे जो साइकोलॉजिस्ट हैं जो कहते थे बच्चों का मस्तिष्क जो है कोरा स्लेट की तरह है, लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म जो है यानी कि संरचनावादी जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, बच्चे के अंदर प्रीवियस जो होता है एक्सपीरियंस होता है, प्रीवियस नॉलेज होता है, उसके आधार पे बच्चा न्यू नॉलेज को डेवलपमेंट करता है या डेवलप करता है। तो इसी के लिए ये आपका लर्निंग के लिए एक मॉडल बनाया गया। और देखिए, कंस्ट्रक्टिविज्म के अगर कहें तो जबरदस्त समर्थक जीन पियाजे, लेव वाइगाट्स्की का नाम बहुत प्रसिद्ध है इस क्षेत्र में। क्योंकि देखिए, वाइगाट्स्की कहते हैं कि अधिगम की प्रक्रिया में समाज यानी आपका सोसाइटी और आपका संस्कृति यानी कि कल्चर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि कल्चर प्लस सोसाइटी बच्चे का जो नॉलेज डेवलपमेंट में क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसमें देखिए, गैने भी हैं, जेरोम ब्रूनर भी हैं जो कंस्ट्रक्टिविज्म का समर्थन करते हैं। तो देखिए, 5 E, ये देख बता दें कि देखिए, एजुकेशन का नेट का पेपर है उसमें ये क्लियर रूप से डाला गया है। आपके यूनिट जो है 8 के अंतर्गत, जो टेक्नोलॉजी फॉर आपका है ये एजुकेशन के अंतर्गत, तो देखिए कहा गया है द 5 E। तो यहाँ पे कहा गया है द 5 E's इज एन इंस्ट्रक्शनल मॉडल बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच टू लर्निंग। अब कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच तो आप जान गए होंगे। देखिए, कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच जो है ये संरचनावाद है जो सीखने के लिए एक स्ट्रेटजी है, रणनीति है, जो छात्र का मौजूदा ज्ञान, विश्वास और कौशल पर आधारित है। यह रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ छात्रों को पूर्व शिक्षा प्रीवियस जो आपका प्रायर एजुकेशन और नई जानकारी न्यू नॉलेज से नई समझ का संश्लेषण करता है या संश्लेषण होता है। ये आपका जो सिंथेसिस है, नई समझ का सिंथेसिस करता है, न्यू नॉलेज का एडिशन करता है। तो ये है आपका ये कंस्ट्रक्टिविज्म जिसको हम कहते हैं। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग विच से द लर्नर्स बिल्ड ऑफ कंस्ट्रक्ट न्यू आइडिया ऑन टॉप ऑफ देयर आइडिया। द 5 E's कैन बी यूज्ड विद स्टूडेंट ऑफ ऑल एजेस इंक्लूड्स अडल्ट। तो यहाँ पे यह निकल के आ रहा है कि 5 E सीखने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण के आधार पर एक निर्देशात्मक मॉडल है जो कहता है कि शिक्षार्थी अपने पुराने विचारों के आधार पर नए विचारों का निर्माण करता है या ज्ञान का निर्माण करता है। और देखिए आगे क्या कहा गया है, द 5 E कैन बी यूज द स्टूडेंट ऑफ ऑल एजेस इंक्लूड्स आपका एडल्ट। तो 5 E का इस्तेमाल या उपयोग बच्चों यानी कि वयस्कों के सहित बच्चों के साथ वयस्कों का या वयस्कों के साथ कम उम्र के छात्रों के साथ किया जा सकता है। यानी कि हम फिर से बता दें, थोड़ा सा यहाँ पे सेंटेंस अगर नहीं बैठ रहा है, कि 5 E का जो इस्तेमाल है या उपयोग है वो वयस्कों के सहित सभी उम्र के छात्रों के साथ यानी कि छोटे छात्र हुए उनके साथ भी इसका उपयोग किया जा सकता है, इसीलिए यह इम्पोर्टेंट है। यानी कि ये आपका 5 E जो है ये वयस्कों के साथ छोटे या सभी उम्र के छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है या इसका उपयोग किया जा सकता है। अब देखिए कहा गया कि इच ऑफ द 5 E डिस्क्राइब अ फेस ऑफ लर्निंग एंड इच फेस बिगिंस विथ द लेटर ई। यानी कि 5 E में सीखने के प्रत्येक चरण का वर्णन करता है और प्रत्येक
चरण जो ई अक्षर से शुरू होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि 5E क्या कर रहा है। 5E सीखने के चरण दिया है, जिसको ई के वर्ड से उसने यहाँ पे रखा है। पहला आपका इंगेज, जिसको हम कहेंगे संलग्न या संलग्नता। सेकेंड आपका एक्सप्लोर, जिसको हम कहेंगे अन्वेषण। थर्ड आपका एक्सप्लेन, जिसको हम कहेंगे व्याख्या। आपका फिर है इलेबरेट, इलेबोरेट, ओके, जिसको हम कहेंगे विस्तृत। एंड फिर है इवेलुएट, जिसको हम कहेंगे मूल्यांकन या मूल्यांकन करना। तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए आगे कहा गया है, द 5 E's अलाउ स्टूडेंट एंड टीचर्स टू एक्सपीरियंस कॉमन एक्टिविटीज टू यूज एंड बिल्ड ऑन प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग एंड टू कंटिन्यूली असेसेस देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट। तो यहाँ कहा जा रहा है कि 5 जो ई है, छात्रों और शिक्षकों को सामान्य गतिविधियों का अनुभव करने, पूर्व ज्ञान और अनुभव का उपयोग करने और निर्माण करने, अर्थ निर्माण करने और अवधारणा की उनकी समझ का लगातार आकलन करने का अनुमति देता है। यानी कि आपके कंसेप्ट, जो आपका व्यक्तिगत विश्वास है, ठीक है, उसकी समझ के आकलन करने के लिए अनुमति देता है। आगे देखिए क्या है। देखिए अब इसके हर एक चरण है, उस पर बातें होंगी। पहला है आपका इंगेज, यानी कि संलग्न। यहाँ पे है, दिस फेज ऑफ ई 5 E स्टार्ट द प्रोसेस एंड इंगेज एक्टिविटी शुड द फॉलोइंग। तो कहा जा रहा है कि 5 E का चरण प्रक्रिया शुरू करता है, एक संलग्न गतिविधि को निम्न लिखित करना चाहिए। यानी कि 5 जो ई का प्रक्रिया यहाँ से शुरू होता है और कहता है कि जो आपका एक्टिविटी है, ओके, गतिविधियाँ हैं, उनमें निम्नलिखित जो चीज़ है यह फर्स्ट और सेकंड, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, मेक कनेक्शंस बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट लर्निंग एक्सपीरियंस। कह रहा है अतीत और वर्तमान सीखने के अनुभव के बीच संबंध बनाएं। सेकंड कह रहा है कि एंटिसिपेट आपका एक्टिविटीज एंड फोकस स्टूडेंट्स थिंकिंग ऑन द लर्निंग आउटकम्स ऑफ करेंट एक्टिविटीज। स्टूडेंट शुड बिकम मेंटली इंगेज द कंसेप्ट प्रोसेस और स्किल द लर्न्ड। यानी कि कहा जा रहा है कि वर्तमान गतिविधियों के सीखने के परिणामों पर गतिविधियों को केंद्रित करें और छात्रों की सोच पर ध्यान केंद्रित करें और छात्रों के मानसिक रूप से सीखने की अवधारणा यानी कि कंसेप्ट प्रक्रिया या कौशल में संलग्न होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक्सप्लोर की बात की जा रही है। एक्सप्लोर क्या है, यहाँ पे अन्वेषण की बात की जा रही है। अन्वेषण कह रहा है कि दिस फेज ऑफ द 5 E's प्रोवाइड स्टूडेंट विथ कॉमन बेस ऑफ एक्सपीरियंसेस। दे आइडेंटिफाई एंड डेवलप कंसेप्ट प्रोसेस एंड स्किल ड्यूरिंग दिस फेज। स्टूडेंट्स एक्टिविटीज एक्सप्लोर देयर इन्वायरमेंट और मल्टीपल मटेरियल्स। तो 5 E का दूसरा चरण या यह चरण छात्रों को अनुभव का एक सामान्य आधार प्रदान करता है और वे अवधारणाओं, प्रक्रियाओं और कौशल को पहचानते और विकसित करते हैं। और इस चरण के दौरान छात्र सक्रिय रूप से अपने वातावरण का पता लगाते हैं या सामग्री में हेर फेर करते हैं, मटेरियल में जोड़ तोड़ मैनिपुलेट करते हैं। फिर देखिए एक्सप्लेन का बात है। एक्सप्लेन, अब एक्सप्लेन को हम हिंदी में कहते हैं व्याख्या। कह रहा है दिस फेज ऑफ द 5 E's हेल्प स्टूडेंट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट दे हैव बीन एक्सप्लोरिंग। दे हैव अपॉर्चुनिटीज टू वर्बलाइज देयर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और टू डेमोन्स्ट्रेट न्यू स्किल ऑफ और बिहेवियर्स। दिस फेज ऑल्सो प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर टीचर्स टू इंट्रोड्यूस फॉर्मल टर्म्स डेफिनेशंस एंड एक्सप्लेनेशंस फॉर
फॉर कॉन्सेप्ट, प्रोसेस, स्किल और बिहेवियर्स। तो फाइव यानी कि पांच ही का यह चरण छात्रों को उन अवधारणाओं को समझ में मदद करता है जो वे खोज रहे हैं, उनके पास अपनी वैचारिक समझ को अलग करने या नए कौशल व्यवहार प्रदर्शित करने का अवसर है। और यह चरण शिक्षकों के अवधारणाओं, प्रक्रियाओं, कौशल या व्यवहार के लिए औपचारिक शब्दों, परिकल्पनाओं और स्पष्टीकरण को पेश करने के लिए अवसर भी प्रदान करता है। यहाँ पे आपका ये हो गया कंसेप्ट, प्रोसेस, स्किल एंड और बिहेवियर। अब देखिए आपका जो नेक्स्ट फेजेस है, इलेबोरेट है, यानी कि ये फोर्थ फेज है फाइव ई का। और ये कह रहा है कि दिस फेज ऑफ द फाइव ई एक्सटेंड स्टूडेंट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड अलाउज देम टू प्रैक्टिस स्किल्स एंड बिहेवियर्स थ्रू न्यू एक्सपीरियंसेस। द लर्नर्स डेवलप डीपर एंड ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेजर कंसेप्ट, ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एरिया ऑफ इंटरेस्ट और एंड रिफाइन देयर स्किल। तो फाइव ई का यह चरण छात्रों के वैचारिक समझ का विस्तार करता है और उन्हें कौशल और व्यवहार का अभ्यास कराने का अनुमति देता है। नए अनुभव के माध्यम से शिक्षार्थी प्रमुख अवधारणाओं की गहरी और व्यापक समझ विकसित करते हैं, रुचि के क्षेत्रों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं और अपने कौशल को परिष्कृत करते हैं। यहाँ पे रिफाइन देयर स्किल कहा गया है। अब देखिए आपका आखिरी और अंतिम चरण है इवैल्यूएट, यानी कि हम कहें कि मूल्यांकन। तो दिस फेज ऑफ द फाइव ई इनकरेजेस लर्नर्स टू असेसेस देयर अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटीज एंड लेट्स टीचर्स इवैल्यूएट स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ की कॉन्सेप्ट एंड स्किल। तो यह सीखने का चरण कह रहा है कि शिक्षार्थियों को उनकी समझ और क्षमताओं का आकलन करने के लिए प्रोत्साहित करता है और शिक्षकों को छात्रों की प्रमुख अवधारणाओं और कौशल विकास की समझ का मूल्यांकन करने देता है। तो ये देखिए पांचों जो ये फाइव ई है, फाइव ई जो है ये सीखने के क्या हैं, ये चरण हैं। यहाँ पे बताया गया है कि इस तरीके से बच्चे में या अडल्ट में या कोई भी व्यक्ति है उसमें नॉलेज का क्या होगा, उसमें नॉलेज का जो डेवलपमेंट होगा। तो ये एक मॉडल तैयार किया गया है जिसको हम कहते हैं फाइव ई। और देखिए ये बुक्स में जल्दी मिलते नहीं हैं तो इसीलिए हमने इसको ला दिया। तो नेट एजुकेशन वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा मटेरियल है क्योंकि इससे क्वेश्चन आया भी था नेट पेपर के आपके टू में। तो ये था आपका फाइव ई और आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि फाइव ई क्या है। यह सीखने का चरण है, ये एक तरह का मॉडल है, यह बेस्ड है आपका कंस्ट्रक्टिविज्म पे। और जो कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि सीखना जो है ये आपके प्रीवियस नॉलेज और करेंट नॉलेज के आधार पे होता है, यानी कि डेवलप करते हैं हम न्यू नॉलेज उसी के आधार पे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।